ये मैं नशा छुड़ाने की दवाई दे रहा थी जी, तो इस सिग्नेचर कैप्सूल नींद दियां गोलियां प्रैगासिप 300 mg ऐसिया गोलियां दे रहा थी। नवा नशा एक कढ़िया पेट दर्द की गोली का, वो पेट दर्द की गोली जो 10 रुपये का पत्ता वो 50-50 रुपये का पत्ता बेच रहा है। मैं कल SSP साहब ने कहा थी मेरे बच्चे नाल लैके भी आ देखो मेरे तो बच्चे हो गए जिहड़े जवान 18-18, 19-19 साल दे इहदे कोलों कैप्सूल लैके उरे फक्का मारदे ने उहनां दा की बनूगा। पटियाला दे त्रिपड़ी इलाके दे विच सरकारी डिस्पेंसरी दे बिल्कुल सामने दवाइयां दी आड़ दे विच इक व्यक्ति दे वल्लों नशीलियां गोलियां विचियां जा रहियां सी। जानकारी दे मुताबिक ऐसे ही नशीलियां गोलियां वेचण वाले व्यक्ति दे कोलों इक पिंड वासी ने दवाई लई ते फिर उस तों बाद उसने ही इस संबंधी ड्रग विभाग ते पुलिस प्रशासन नूं शिकायत दित्ती। की सी इस पिछे पूरा मामला तुहानूं सुणाउने आं खुद पीड़ित व्यक्ति दे कोलों। मामला सारे इह है, मैं 2.5-3 किलो पुक्की खांदा सी पोस्ता किसी थैंसिया तो लै लू के, तो यह कहता भी इसकी दुकान परले पासे होंदी थी उधर, ये उरे नवी दुकान आई है, उरे दे मार्केट वाले ने भी चाहिए भी ये कम की हो रहा, तो ये मैनू नशा छुड़ाने की दवाई दे रहा थी। तो इस सिग्नेचर कैप्सूल नींद दियां गोलियां प्रैगासिप 300 mg ऐसिया गोलियां दे रहा थी, बिच पेट दर्द दी गोलियां का नशा बना लिया एक इन्होंने नवा नशा एक कढ़िया पेट दर्द की गोली का, वो पेट दर्द की गोली जो 10 रुपये का पत्ता वो 50-50 रुपये का पत्ता बेच रहा है। कोई दुकानदार नहीं दिता मेडिकल वाला वो पत्ते नू, पर ये बेच रहे ने। ते मैं इन्हां तो भुक्की खा रही थी जी, 5 महीने पहला मैनू हो गया अटैक जहा इस दवाई खाने के कारण, तो चलो मैनू नशा आने लग गया इस चीज़ का। मैं राइस मिलों का काम करता जी, जब शोर शराबा रहा थी ठंड का टाइम थी, कोई नशे का पता नहीं लग्या भी इस नशा है कि नहीं है। तो उस तो बाद मैं थाने च रिपोर्ट करी 5 महीने पहला, उत्थे 3000 रुपये की दवाई दवा के लैके और दे के आया, जब इन्हें दुकान वो परले पासे होंदी थी। तो उस तो बाद थानेदारा ने कुछ नहीं कार्रवाई करी, मैं उरे आया SHO साहब ने चल मेरी गल माड़ी जी सुनी, चलो मैनू प्रॉब्लम हो गई मैं चला गया। उस तो बाद मैं कल SSP साहब ने कहा थी मेरे बच्चे नाल लैके भी आ देखो मेरे तो बच्चे हो गए जिहड़े जवान 18-18, 19-19 साल दे इहदे कोलों कैप्सूल लैके उरे फक्का मारदे ने उन्हां दा की बनूगा। दूजे पासे उक्त व्यक्ति दे शिकायत तो बाद ड्रग विभाग अते पुलिस प्रशासन ने जदों दवाइयां दी दुकान ते छापेमारी कीती तां उन्हां नूं गिनती दे विच कई नशीलियां गोलियां उत्थों बरामद होईयां ने। दसा जांदा है दुकान दे विचों कुछ दवाइयां सीज कर ली गईयां ने अते कैमिस्ट दी आड़ दे विच नशीलियां गोलियां वेचण वाले अजिहे लोकां नूं सख्त तो सख्त चेतावनी दिंदिया होया पटियाला पुलिस दा की कहना सी तुसीं वी सुणो। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ NDPS ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ NDPS ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ IPS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, TIME TV।